Any Gujaratis in the house? Give me a chair. Any Marwadis in the house? Give me a chair. Any Punjabis in the house? Give me a chair. Punjabis are very interesting teachers. एक तो उन्हें किसी चीज से डरने लगता सिवाय 12 बजे का. वो गुजरात में रहके भी पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही है और यहाँ पटेला बैग बना रहा है. पंजाबी बहुत बहुत मजेदार. मैं खुद पंजाबी, मेरे को बहुत खुशी है पंजाबी में. बट एक ही प्रॉब्लम है, तुम कहीं भी जाओ लोग तुमसे एक ही सवाल पूछते हैं, तुम पगड़ी नहीं पहनते. स्कूल में पिक्चर देखने जाओ, थिएटर में क्रिकेट मैच चलते, कहीं भी जाओ इंटरव्यूज में तुम पगड़ी नहीं पहनते. एक दिन मैं क्रिकेट मैच देख रहा था, सचिन की बैटिंग चल रही थी, वो सेंचुरी लगाने वाला था कि पीछे से आवाज आती है, तुम पगड़ी नहीं पहनते. एक तो लोग, एक दिन में बहुत मार पैर पड़ पड़ के मेरी गर्लफ्रेंड को लेके गया पिक्चर दिखाने, पट्टी भी नहीं थी तब तक, मेहनत करके ले गया उसको हॉरर पिक्चर दिखाने का. मेरे को मालूम था कि डरेगी तो हाथ लगेगी, तो फिर बैठे थे बस. वो डरने वाली थी. पीछे से मेरे पीछे हाथ लगा और आवाज आई, तुम पगड़ी नहीं पहनते. बहुत परेशान हो गया. फिर एक दिन में गए इंटरव्यू देने. एक तो इंटरव्यू में जाते हैं उससे मुझे जिंदगी के सबसे मुश्किल सवाल पूछ गया, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. पहले ये पता तुम मुझसे मेरे बारे में पूछने लगता कौन होता है. पर जिस सवाल का जवाब मैं आज तक अपने आप को नहीं दे पाया वो तुझे क्या गया. और फिर और पंजाबी होके भी उसमें क्या है कि तुम बाहर निकलते हो तुमको कहीं ना कहीं गुजरातियों से खास बहुत डर लगता है. इन चार प्रकार के बंदे गुजरातियों से बड़ा डर लगता है. MODI अंदर के पैसे देता है. नरेंद्र मोदी बाकी साइज अकाउंट से पैसे देते हैं. बट इन दोनों के बारे में एक चीज बड़ी एडमायर करता हूँ, ये काले गोरे में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं कि तुम्हारे सारे पैसे मिल सकते. अब मोदी जी की बात चल रही है तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ नरेंद्र मोदी? क्या करता है मोदी? इज अ मदारी. हम सब उनके बने ना, उन्हें चुटकी बजा रहे, उन्होंने घर के आसपास की सफाई करने लगे. स्वच्छ भारत अभियान उन्हें चुटकी बजा रहे, घर के अंदर की सफाई करने लगे. नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन और तो उन्होंने चुटकी बजाय उन्होंने सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड साफ कर दिए GST से. और तो उन्होंने चुटकी बजाय और एक PM ने अपनी कुर्सी छोड़ दी. इसमें क्या है कि उनका और मोदी सरकार के 5 साल टर्म में उनको कई इल्जाम लगे हैं, फ्रॉड गवर्नमेंट है, झूठा. क्योंकि तो मोदी झूठा नहीं है, उसको सच्चा अति है ही नहीं, वो झूठ नहीं बोलते, वो सिर्फ आधा सच बोलते. उनने बोला अच्छे दिन आएंगे मेरे लिए. अब की बार मोदी सरकार वोट किसी को भी डालो, आने वाला तो मेरे पास ही है. इस देश की युवा जनता घर के बाहर निकलेगी, ATM की लाइन में खड़ा रहने के लिए. इसमें क्या उनका और हमारा अच्छे दिन से कैसे मैच नहीं होता कि उनने बोला मैं तुम्हारे अकाउंट में लाखों डलवाऊंगा, तुम खुद डालोगे. अब गुजरात क्या, उसमें क्या है कि गुजरातियों और पंजाबियों का लड़ाई सालों से चली आ रही है. क्योंकि गुजरातियों के दिमाग में पंजाबियों का परसेप्शन है, लंबा चौड़ा आदमी, काले कपड़े, गले में गोल्ड चेन, दाढ़ी और टर्बन. मैं पंजाबी हूं, मैं दिलेर मेहंदी नहीं हूं. बट इसमें क्या है कि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो गुजराती लोग मतलब बहुत ही डायनामिकली डिफरेंट लोग हैं. क्योंकि उन्हें सनेड़ो पसंद है, हमें ओहो पसंद है, हमें उंधियू पसंद है, हमें बटर चिकन पसंद है, उन्हें ढोकला पसंद है, हमें बटर चिकन पसंद है, उन्हें ढोकला पसंद है, हमें बटर चिकन पसंद है. हम बटर चिकन में से इसलिए भाग रहे हैं कि हमारे खून में 70% पानी नहीं है,
33.50% बटर चिकन, 33.50% लस्सी है, बट 33.50% पानी सोडा जो रखना रखे अपनी चाय सर्दी है। बट एक चीज जो मैं पूछा था कि मैं बहुत एडमायर करता हूँ कि बहुत मेहनती लोग हैं, खासकर की फेस्टिवल्स और इवेंट्स में जी जान लगा देंगे, टेंट वेंट लगा देंगे, खाने पीने तो वेराइटी ढोकला पाता मंडू पापड़ा जलेबी जो वो सब है। हमारा क्या है, एक बोतल चार ग्लास ढोकला। थैंक यू सो मच एडमायर।